देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उड़ाई मोदी की धज्जियां, आर्थिक मोर्चे पर बताया पूरी तरह से फेल। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा और बोला कि नहीं आई नई नीति तो 5 ट्रिलियन को गुड बाय। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नई आर्थिक के बिना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी संभव नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केवल साहस या केवल ज्ञान से ही अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकते, इसके लिए दोनों की ज़रूरत है। आज हमारे पास दोनों में से कोई भी नहीं है। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका लगा है। देश की विकास दर में गिरावट दर्ज हुई है। पहली तिमाही अप्रैल जून में विकास दर 5.8% से घटकर 5% हो गई है। यदि वार्षिक आधार पर तुलना करें तो लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई है। एक साल पहले इसी तिमाही में GDP की दर 8% थी। पिछली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधि में गिरावट और कृषि उत्पादन में कमी का GDP ग्रोथ पर ज़्यादा असर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार की किसी एक तिमाही में सबसे सुस्त रफ्तार है। करीब 7 साल पहले UPA सरकार में किसी एक तिमाही में GDP के आंकड़े इस स्तर पर पहुंचे थे। वित्त वर्ष 2012-2013 की पहली तिमाही में GDP के आंकड़े 4.9% के निचले स्तर पर थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में ये सेक्टर 12.1% से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब ये महज 0.6% की दर से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और फैशन सेक्टर में भी पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 5.1% की तुलना में 2% की दर से वृद्धि हुई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।